चड्ढी बनियान तक बिक जाएंगी। शाहरुख खान का वो बयान जिसने बचा दिया सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड में घमासान। चड्ढी बनियान बिक जाएगी। आखिर किसकी चड्ढी बनियान बिकवाना चाह रहे हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान? शाहरुख खान के बयान का अंबानी के फंक्शन से ऐसा कनेक्शन सामने आया जिसने पूरा सिनेमा जगत हिलाया। एक झटके में अंबानी ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी आज तक नहीं कर पाया। जी, इस वक्त शाहरुख खान का दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें शाहरुख खान किसी की चड्ढी बनियान तक बिकवाना चाह रहे हैं। तो आखिरकार अंबानी के फंक्शन से इसका क्या कनेक्शन है? अंबानी के फंक्शन के बाद चड्ढी बनियान वाला ये बयान वायरल क्यों हो रहा है? और आखिरकार शाहरुख किसकी चड्ढी बनियान बेचना चाह रहे हैं? बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अगले 3 मिनट में आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में पहली बार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को एक साथ स्क्रीन पर देखा गया। इसके पहले कभी भी इन तीनों खान को पर्दे पर एक साथ काम करते हुए नहीं देखा गया था, लेकिन इन्होंने मुकेश अंबानी के लाडले के इस कार्यक्रम में इतिहास लिख दिया और फैंस का दिल गार्डन गार्डन कर दिया। हालांकि ये मुराद लोगों की पहले से थी कि वो इन तीनों को एक साथ एक मूवी में देखें, जिस पर शाहरुख खान ने एक पंच मारा था जो अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों ही ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी फीस ही 100-100 करोड़ रुपए होती है। ये लोग एक फिल्म के लिए 100-100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं, फिर उस मूवी को बनाने के लिए मेकर्स का जो पैसा लगता है वो लगता ही है। ऐसे में अगर कोई भी डायरेक्टर इन्हें एक ही फिल्म में कास्ट करेगा तो उसका वाकई दीवाना निकल जाएगा, या फिर कहानी इतनी दमदार हो कि वो रातों रात मालामाल हो जाए, और ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी ने वो करके दिखा दिया जो आज तक बड़े से बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक नहीं कर पाए थे। एक्टिंग की बात तो दूर, मुकेश अंबानी ने तीनों को स्टेज पर एक साथ नचा तक कर दिखा दिया। अब पता नहीं इन तीनों ने अपनी मर्जी से किया है या फिर इसके लिए कुछ पैसे लिए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े आदमी के सामने कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, वो छोटा ही होता है। अंबानी इतने बड़े अरबपति हैं कि उनके आगे क्या शाहरुख, क्या सलमान और क्या आमिर, तीनों बच्चों की तरह डांस कर रहे थे। और ये वही शाहरुख खान है जिन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि भाई साहब चड्ढी बनियान तक बिक जाएगी। दरअसल शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से घूम रहा है जिसमें वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी तरह उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कभी ये संभव है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों खान कभी एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। इस पर शाहरुख खान ने बड़ा मजाकिया जवाब दिया था और कहा था कि उन तीनों को एक साथ साइन करना आसान नहीं है। शाहरुख ने कहा था, आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर दे दो, भैया चड्ढी बनियान तक बिक जाएंगी तीनों को साइन करने में। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने अपने रिएक्शन दिए हैं। यूजर्स ने लिखा है कि मुकेश अंबानी के बस की ही बात थी कि उन्होंने तीनों को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और ऑस्कर विनिंग सॉन्ग पर परफॉर्म करवा दिया। एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि अगर वो चाहें तो दूसरी गैलेक्सी से एलियंस को भी बुला सकते हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि केवल अंबानी ही है जो एक समय पर तीनों खानों का खर्चा उठा सकते हैं। अब समझ आया कि आखिरकार शाहरुख खान का ये वीडियो क्यों इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर शाहरुख खान एक तरीके से उस शख्स से ये कह रहे थे कि भैया हमारी फीस इतनी ज्यादा होती है कि कोई हमें एक साथ एक मंच पर नहीं ला सकता, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए क्या ही 100 करोड़, क्या ही 200 करोड़, क्या ही 300 करोड़, इतना तो वो एक घंटे में कमाते हैं। और इसी वजह से शाहरुख, सलमान और आमिर को एक साथ एक मंच पर नचाते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये खबर और इस पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।